गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आज मार्केट जा रही हूँ और एक खास तरह की सब्जी लाऊंगी और उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैं इतना तैयार मार्केट जाने के लिए नहीं होती हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे रील्स बनाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मैं इसका लिंक आपको दे रही हूँ, आप लोग जाके देख सकते हैं दुकान से। अब हम लोग चलेंगे मार्केट। इसको क्या बोलते हैं नानी सब्जी को? संधना बोलते हैं। संधना? हाँ। हम लोग बांस बोलते हैं। हमको बांस ही है नहीं? हाँ, करीर बोलते हैं। हाँ। हाँ। अच्छा नानी, ये बरसात में ही मिलता है ना? हाँ? बरसात में ही मिलेगा? हाँ। और किसी मौसम में नहीं? हाँ। अच्छा, इन्हें काफी जानकारी है गाइस, ये भी बहुत जानते हैं। बनाते हैं आप लोग पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, हम लोग झिंगनी बोलते हैं, झींगा बोलते हैं। तो ये जो बांस की सब्जी है इसमें मैं ये झिंगनी भी मिलाऊंगी और दोनों को मिक्स करके बनाऊंगी। तो ये ले रहे हैं झिंगनी, कैसे दिए? 15 रुपया। गाइस, इस मार्केट में लोग देहाती क्षेत्र से सब्जियां लाते हैं और यहाँ बेचते हैं। यहाँ हर तरह की सब्जियां दिखेगी आपको, देखिए। इसको हम लोग खेक्सा बोलते हैं। खेक्सा ना, ये कच्ची मूंगफली भी बिक रही है यहाँ पे, ये हम लोग लेते हैं और घर जाके इसको भून के खाते हैं। अभी अदरक ले रहे हैं। यहाँ बारिश आने वाली है तो हम लोग जल्दी घर की ओर चलते हैं, नहीं तो फंस जाएंगे हम लोग बारिश में। ले लिए हमने सब्जियाँ, तो अब हम इसे धो लेते हैं। इसको भी धो लेंगे। ये हमारा झींगा है, झिंगनी, इसको भी हम साफ अच्छी तरह से साफ कर लेंगे रगड़ रगड़ के, क्योंकि ये छिलका सहित ही इसको हमें काटना है। इसका छिलका नहीं निकालेंगे हम लोग, इसको छिलका सहित ही काटेंगे। और यहाँ देखिए, मैंने इसको रख दिया, इसका पानी पूरा गिर रहा है। हमारी झिंगनी भी धुल गई। काटना है, देखिए, इसको ऐसे करके इसको लंबा लंबा काटना है, पतला पतला काट लेंगे हम लोग। सारी झिंगनियां हम ऐसे ही काट लेंगे। गाइस, मैं झिंगनी
झुगनी काट रही थी तो माँ बोली कि तुम मसाले तैयार कर लो, मैं झुगनी काट लेती हूँ। देखिए कितनी अच्छी है मेरी सासू माँ। गाइस मैं झुगनी काट रही थी तो माँ बोली कि तुम मसाले तैयार कर लो, मैं काट देती हूँ। देखिए मेरी सासू माँ कितनी अच्छी है। थैंक यू माँ। तो माँ जब तक सब्जी काट रही है मैं मसाले तैयार कर लेती हूँ। तो मसालों में मैंने लिया है लहसुन। लहसुन में छिलका सही थी इसमें पीस रही हूँ, ऐसे हम लोग छील के ही लहसुन डालते हैं। और इसमें मैं लूंगी धनिया। देखिए लगभग इतना धनिया लूंगी मैं। और अब इसमें हम डालेंगे अपना सरसों, पीला सरसों। देखिए जैसे हम मछली बनाते हैं और उसका मसाला तैयार करते हैं, बस वैसे ही हम लोग को इसका भी मसाला तैयार करना है। मतलब मछली में जो मसाला पड़ता है वही हम इस सब्जी में डालेंगे। तो अब मैं इसको पीस लेती हूँ। तो अब हम मसाले पीस लेते हैं। अब हम चूल्हा जलाते हैं। ऐसे तो हम लोग खाना राइस ब्रेन जो तेल है उसमें बनाते हैं, पर ये सब्जी सरसों तेल में बनाइएगा, टेस्ट अच्छा आता है। तो इसमें हम तेल डालेंगे, लगभग इतना तेल डाला है मैंने। और पहले हम ये जो हमारी बांस है इसको फ्राई करके निकालेंगे। गाइस ये आधा केजी बांस है और इसमें हम 1 केजी झींगी डालते हैं। तो अभी तेल हमारा गर्म हो रहा है, तेल को खूब गर्म होने देना है जब तक कि तेल से धुआं ना उठ जाए। उसके बाद हम इसको हमारे बांस को फ्राई करेंगे। मसाले निकाल लेती हूँ। तो देखिए इतना बड़ा चम्मच लिया है मैंने। ऐसे तो हम लोग डेली जो सब्जी बनाते हैं तो इस चम्मच से हम लोग मसाले डालते हैं, पर इसमें आप लोगों को बताने के लिए मैं ये इस चम्मच का यूज कर रही हूँ। तो हम लोग लेंगे 1 चम्मच पूरी तरह से भर के इसमें जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, धनिया तो हमने इसमें पीस लिया है। उसके बाद हम लेंगे इसमें 1 चम्मच भर के, भरा नहीं है अभी, हल्दी थोड़ा सा और डाल देती हूँ मैं। और थोड़ा सा गोलकी पाउडर, देखिए इतना गोलकी पाउडर है। अब इसमें डालेंगे हम मिर्ची पाउडर पूरा 1 चम्मच भर। अब इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे हम। हमारे मसालों में क्या है गाइस, लहसुन, धनिया, सरसों, जीरा, मिर्ची और थोड़ी सी गोल्की पाउडर। जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि जैसे मछली में मसाला हम लोग डालते हैं वैसे ही डालना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम लोग। तो देखिए इतना लाल हो चुका है, लेकिन अभी हमें इसको थोड़ा सा और भुनना है और लाल करना है। ये पूरी तरह से लाल हो चुका है यानी कि ये भुन चुका है। तो अब हम गैस को कम करते हैं और इसको निकाल देते हैं।
अब हम इसमें अपना सरसों तेल डालेंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी पंचफोरन। ऐसे आप लोग जानते ही होंगे पंचफोरन हम लोग कैसे बनाते हैं, सौंफ, अजवाइन, मंगरेल, सरसों और थोड़ी सी मेथी, ये सबको मिक्स कर देते हैं हम लोग, इसको हम लोग पंचफोरन बोलते हैं। अब इसको डाल देंगे और तेज पत्ता डालेंगे और जब ये अच्छी तरह से इसमें मिल जाए, थोड़े लाल हो जाए, तब हम आंच को कम करेंगे और अपना मसाला डालेंगे। मसाले को हम को अच्छी तरह से भूनेंगे अभी, उसके बाद हमें इसमें झींगी डालना है। हमारा मसाला भून चुका है, अब हम इसमें डालेंगे इतना डाल के पहले मैं इसको चला लेती हूँ। बाकी का डाल लेती हूँ। अभी ये इतना ज्यादा लग रहा है पर ये गल के बहुत कम हो जाता है, आप देखेंगे ही थोड़ी देर के बाद। नमक अभी नहीं डालेंगे, थोड़ी देर के बाद डालेंगे। ये इतना भून चुका है, आपको पहले से काफी कम भी लग रहा होगा देखने में। अब हम इसमें डालेंगे नमक, तो मेरा ये चम्मच है तो मैं इससे इतना डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और ले रही हूँ मैं, और इसके साथ ही हम जो अपना ये बांस है, भुने हुए बांस, इसको भी डाल देंगे। और मिला लेंगे इसको भी। गाइस, जैसा मैंने आपको बताया था कि मेरा किचन अभी सेटल नहीं है, तो मैं कुछ भी रेसिपी बनाती हूँ तो आप लोगों से शेयर नहीं कर पाती हूँ, पर आज मेरी प्यारी देवरानी सारा रिकॉर्डिंग कर रही है, तो थैंक यू देवरानी जी, मोस्ट वेलकम। मीडियम कर देंगे हम लोग, कम आंच पे ये पकेगा। इसको ढक देती हूँ मैं। अब हम लोग वेट करेंगे, बीच में हम चला लेंगे। देखिए ये भी ऐसा है, इसको एक बार चला देना है। फिर इसको ढक देंगे, 5 से 10 मिनट में हमारी सब्जी तैयार हो जाएगी। तो हमारी सब्जी तैयार हो चुकी है, अब हम लोग चूल्हा बंद कर देंगे। तो देखिए कितना अच्छा रंग आया है सब्जी का और बहुत अच्छा महक भी रहा है। तो हमारा आज रात का खाना तैयार है, मेरी देवरानी रोटियां बना रही है। तो मैं अपना आज का ब्लॉग यहीं खत्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को अच्छा लगेगा और ये रेसिपी आप लोग को अच्छी लगी हो तो कमेंट में प्लीज जरूर बताइएगा
और हाँ, बनाइएगा जरूर और खाइएगा जरूर, बहुत ही टेस्टी सब्जी होती है। बाय।